ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3.12, डेट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड प्रोजेक्टाइल है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल जो है वो हम किसी भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी एक खास इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करवाएं, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या करती है, सर्टेन एंगल बनाती है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद ये जो बॉडी है हमारी ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम सिंपली प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को अगर यहाँ हम ड्रॉ करें कि प्रोजेक्टाइल जो है वो एक बॉडी है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ मूव करवाया, ठीक है, आगे फेंका, और ये एंगल जो बना रही थी थीटा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस टाइप का जो बॉडी मोशन एग्जिबिट करती है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हमने दी और स्टार्टिंग में बॉडी ने एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, लेकिन उसने आगे वाला मोशन जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फुलफिल किया है, तो इस टाइप की बॉडी को हम जो है वो प्रोजेक्टाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो पाथ कवर किया है हमारी प्रोजेक्टाइल यानी बॉडी ने, ये बॉडी जो है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे बॉल है, हमने देखा होगा कि अक्सर जो क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट बॉल को भी हम बिल्कुल इसी तरह से ही फेंकते हैं। इसका मतलब है कि क्रिकेट बॉल हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल बॉडी है जिसका मोशन जो है वो इस टाइप का होता है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो किस टाइप का पाथ कवर करता है, तो प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम उसकी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो क्या कहलाता है, ये जो पाथ इसने पूरा कवर किया है जब हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी दी और उसके बाद ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करके गया, तो इसके पाथ को हम इसकी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है और इस ट्रेजेक्ट्री की शेप जो है वो क्या है, पैराबोलिक है। अब यहाँ से अगर हमने ये बात डिस्कस कर ली तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना बहुत इजी है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक टू डायमेंशनल मोशन का नाम है, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन मतलब कि इस मोशन के दौरान बॉडी का एक्स कंपोनेंट और बॉडी का वाई कंपोनेंट दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कंसिडर करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टू डायमेंशनल मोशन है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी खास इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो करें और वो बॉडी एंगल बनाए थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसके बाद वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आगे की तरफ मूव करे, तो इस टाइप के मोशन का नाम सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो किया, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम देखें तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती है, एक कौन सा होगा, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा इसका y कंपोनेंट। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो बॉडी को आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड मूव करने के लिए सीधा x कंपोनेंट की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो क्या होगा, बॉडी बिल्कुल सीधी आगे नहीं जाएगी बल्कि उस पर ग्रेविटी की डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी, तो वो एक कर्व पाथ बनाती हुई नीचे जाएगी और ये उसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड एग्जर्ट होगा। तो इस टाइप के मोशन को हम सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। स्पेशल केस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है वो ये है कि हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नहीं फेंकना, जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमने बॉडी को यहाँ से मूव करवाया और वो एक्स वाई कंपोनेंट को चेंज करती हुई इस तरह से आ गई, ऐसे नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने एक हाइट के ऊपर अपनी बॉडी को रखना है और उसको हॉरिजॉन्टली जो है वो
थ्रो करवाना है. ठीक है, तो अब हमने एक बॉडी थी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल था जिसको हमने इनिशियली एक वेलोसिटी दी एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी मूव नहीं करेगी, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक कर्व पाथ बनाती हुई नीचे जाएगी कुछ इस तरह का. तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, एक्सिस में थी. ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जो हमारी बॉडी है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी मूव कर रही है और साथ ही साथ इस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है. तो आगे जाके हमारी वेलोसिटी एक्स एंड वाई कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, जो उसके इनिशियल वाई कंपोनेंट है वो यहाँ पे जीरो के इक्वल है. अब अगर हम ये बात जो है वो कंसिडर करें कि थ्रू आउट इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो अगर हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हमने ये कहा है कि एयर रेजिस्टेंस हमारे पास ना होने के बराबर आ रही है, तो अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने इस बॉल को फेंका था एक्स डायरेक्शन में, ये थ्रू आउट द प्रोसेस एक्स डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगी. यानी अगर स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल थी तो यहाँ पे भी ये 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी और लास्ट तक जो है वो ये 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे निगलेक्ट किया हुआ है. एक्स डायरेक्शन में अगर एयर फ्रिक्शन भी नहीं एग्जर्ट हो रही तो इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में इस बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है. ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही. एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही मतलब इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोसेस एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग कॉन्स्टेंट ही रहेगी. तो यहाँ पे हम जो है वो फाइंड करते हैं कि हमारा ये जो बॉल है इसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो x डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड करते हैं, ये हमें निकालना है. तो हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम की. तो यहाँ डिस्टेंस हमारे पास x है, वेलोसिटी कौन सी है बॉडी की x एक्सिस के लॉन्ग, वी आई ऑफ x, और यहाँ टाइम जो है वो एज इट इज. तो ये वी आई एक्स टी हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी का डिस्टेंस आ गया. सेम ऐसे अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि बॉल ने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए जो है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर करते हैं, एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. इसको एस यहाँ पे लिख लें. अब इसको हम अपने लिहाज से जो है वो चेंज करते हैं. वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड करने है तो यहाँ वाई आ जाएगा, ये वी आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्सेलरेशन जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बॉडी मूव करिए वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये जी हो जाएगा. अब हमने ये बात स्टार्ट में ही कंक्लूड की थी कि वी आई वाई जीरो के इक्वल है, इसका मतलब है जो हमारी इक्वेशन है इसका ये कंपोनेंट जीरो हो गया प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर. तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर के इक्वलेंट. ये था हमारे पास स्पेशल केस हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का. अब हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल केस को कि जनरली जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फिनोमेना हो रहा होता है, उसको डिस्कस करते हैं. अब जनरल केस हमें पता है कि सिंपली क्या होता है, जिसमें बॉडी हमारी कुछ इस तरह से मूव करती है और आगे की तरफ जो है वो चली जाती है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम उसे देते हैं, ठीक है, और थीटा एंगल बनाती है और फिर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी बॉडी मूव कर रही होती है. ठीक है, एक बात यहाँ पे पॉइंट जो नोट करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है. ठीक है, ए इज इक्वलेंट टू जो जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी हमारे पास. ये हमारे पास एक केस था. अब आगे जाते जाते वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी. आगे जाने के लिए इसको एक्स कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा और कर्व पाथ बनाने के लिए इसे वाई कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा. तो ये हमारे पास जो है वो पूरा एक फिनोमेना आ गया. अब यहाँ पे हम जो है वो इस जनरल केस को डिस्कस करते हैं और फाइंड करते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इस इनिशियल वेलोसिटी को हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आएगा वी आई एक्स, ठीक है, और दूसरा आएगा
vi y इनिशियल वेलोसिटी के लिए. ठीक है, तो अगर x एक्सिस के लॉन्ग हम इनिशियल वेलोसिटी देखना चाहें वो क्या होगी, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में जब वेक्टर को रिजॉल्व किया था तो x कंपोनेंट हमेशा आता है vi cos थीटा के इक्विवेलेंट और y कंपोनेंट आता है vi sin थीटा के इक्विवेलेंट. ये इनिशियल वेलोसिटी को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे समहाउ इस जगह पे हम फाइनल वेलोसिटी देखना चाहते हैं बॉडी की, तो फाइनल वेलोसिटी को भी हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो वी एफ ऑफ एक्स सबसे पहले निकालते हैं. हमने एक बार डिस्कस की थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती. अगर कोई फोर्स नहीं है इसका मतलब है कि एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रह रहा है. इसका मतलब है जितना इनिशियल कंपोनेंट था फाइनल कंपोनेंट भी सेम उतना ही आ जाएगा. लेकिन y एक्सिस के अलोंग जो हमारा फाइनल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो चेंज हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो उसकी वैल्यू को हम जो है वो फाइंड करेंगे यहाँ पे वी एफ ऑफ y. इसके लिए हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी एफ इज इक्वलेंट टू वी आई प्लस ए टी. ठीक है, यहाँ पे i जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास y कंपोनेंट की, यहाँ a जो है वो ग्रेविटी के इक्वल है क्योंकि बॉडी हमारी इस टाइम जो है वो एट दिस इंस्टेंट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होती है. तो इसको हम जो है वो माइनस जी ले लेंगे और t जो है वो एज इट इज. तो a हमने माइनस जी के इक्वलेंट लिया क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी समहाउ इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे बॉडी अपवर्ड जा रही है जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है. तो ये चीज़ आ गई. वी आई वाई की हमने अभी वैल्यू निकाली थी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी. तो यहाँ से हमने वी आई एक्स भी निकाल लिया, वी आई वाई भी निकाला, वी एफ ऑफ एक्स भी निकाला और वी एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी हमने यहाँ से डिटर्मिन कर लिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली. अब अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे. रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर. तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी है और हमारे पास वाई कंपोनेंट भी है, इनको सॉल्व करके हम ये निकाल सकते हैं. सेम इसी तरह अगर हमें जो है वो एंगल डिटरमिन करना है हमारे एक्स और वाई एक्सिस एक्स एंड वाई कंपोनेंट के लिए, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वलेंट टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ ऑफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स. तो इस तरह हम रिजल्टेंट वेलोसिटी और एंगल को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. तो ये हमारा था जनरल रिव्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.12 हमने स्टार्ट किया था उसी के जो है वो कंटिन्यू करते हैं पॉइंट्स को. सबसे पहले हम जो है वो फाइंड करेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, देन टाइम फॉर फ्लाइट एंड लास्ट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो स्टार्ट करते हैं विद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ. हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि हमने जब एक बॉडी को जो है वो मूव करवाया था इनिशियल वेलोसिटी v के साथ और उसको जो है वो एक ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड की थी, तो कितनी मैक्सिमम हाइट हमारी जो है वो बॉडी ने गेन की उसको हम जो है वो इस मैक्सिमम हाइट को यानी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को जो है वो हम उसकी प्रोजेक्टाइल की हाइट का नाम दे देते हैं. हमें ये हाइट जो है वो डिटर्मिन करनी है. ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज हाइट जो है वो हमेशा वर्टिकली देखी जाती है. तो इसके लिए हम जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ हम जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट्स को ही सॉल्व करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. हमने जो है वो एक फार्मूला रीड किया हुआ है 2gs इज इक्वलेंट टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. इस फार्मूला के थ्रू हम जो है वो हाइट फाइंड करेंगे. डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो हमें हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस एच के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही बॉडी हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा फॉर सम इंस्टेंट बॉडी रेस्ट पे आ जाती है. तो उसकी हाइट पे पहुंचने पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल आएगी. इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाह रही है. ठीक है, हाइट कवर करना चाह रही है. तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लेंगे जो कि वी आई
साइन ऑफ थीटा के इक्वलेंट है, बिकॉज बॉडी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ए ही लिखें स्टार्ट में, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इक्वेशन को सेट करते हैं, माइनस टू जी एस आ गया. ठीक है, ए की जगह माइनस जी और यहाँ पे एस की जगह हम एच पुट कर देते हैं. ठीक है, फिर वी एफ स्क्वायर हमारे पास जीरो है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी आई साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और यहाँ पे माइनस टू जी एच. एच की वैल्यू निकालें तो यहाँ माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ. अगर यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इसको बेटर है कि हम स्मॉल एच में ही लिख लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ भी. तो जो एच की वैल्यू हमारे पास आएगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2g. तो ये हमारी जो है वो हाइट की वैल्यू आ गई है. इतनी हाइट हमारी जो है वो बॉडी जो है वो अटेन करती है जब वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एग्जिबिट कर रही होती है. अब नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ ए फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितना टाइम हमारी जो प्रोजेक्टाइल था जो बॉडी थी उसको लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए. और हम ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि कितनी देर तक हमारी बॉडी जो है वो इस पोजीशन से यहाँ तक आने में यानी हवा में रहेगी. ठीक है, क्योंकि जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हवा में चली जाती है. ठीक है, उसके बाद टकराने से पहले तक वो हवा के अंदर ही रहती है. तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, या फिर कितने टाइम के लिए हमारी बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ हवा के अंदर रहेगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है. ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम दोबारा से कंसिडर करते हैं कि हम जो है वो देख रहे हैं कि टाइम निकालना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक का. तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना चाहते हैं तो हम बॉडी के वर्टिकल मोशन को तो देख ही नहीं रहे, यानी यहाँ पर बॉडी का वर्टिकल मोशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा. हम ये कहेंगे कि जो हमारी बॉडी है उसने y एक्सिस के लॉन्ग कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया. क्यों? क्योंकि हम बॉडी का जहाँ से मोशन हमने शुरू किया था हमने वहीं पे उसको एंड कर लिया, लेकिन x एक्सिस की डायरेक्शन में. तो s इज इक्वलिंग टू h इज इक्वलिंग टू जीरो हो गया. एक्सेलरेशन अगेन माइनस जी के इक्वल आएगी. ठीक है, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो y एक्सिस के लिए ही हम लेंगे क्योंकि हम बॉडी को ऊपर से इस तरह मूव करवाते हुए जो है वो देख रहे हैं, तो वो वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वलेंट आएगी. इक्वेशन यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है वो क्या है, एस इज इक्वलेंट टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वलेंट होती है. ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसको चेंज कर लेते हैं, एच वी आई वाई टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर. ये हमने अपने लिहाज से इसे सेट किया. एच जीरो है, इसको यहाँ निकाल लेते हैं. एच हमारे पास जीरो के इक्वल था, वी आई वाई हमारे पास वी आई साइन थीटा था, टी एज इट इज माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, इस टर्म को वहाँ ले जाते हैं तो क्या होगा, वी आई साइन थीटा टी इज इक्वलिंग टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर. यहाँ से टू को इधर मूव करवाएं तो आएगा टू वी आई साइन थीटा टू टी और जी को वहाँ पे डिवाइड करवाना पड़ेगा टी स्क्वायर. ये एक टी इसके साथ कैंसिल हो गया और बाकी जो टाइम हमारे पास आया वो कितना आ गया, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी के इक्वलेंट. तो ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट. लास्ट हमारे पास बचता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं. अब को हम रीड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी.
अच्छा, अब रेंज का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है उसने कितनी रेंज कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है? तो हमारी प्रोजेक्टाइल ने अंडरस्टूड है जो डिस्टेंस कवर किया है वो अलोंग एक्स एक्सिस की है. इसका मतलब है कि बॉडी की जो रेंज आएगी कि उसने टोटल एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी रेंज कहलाएगी. तो रेंज हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एस डिस्टेंस, किस चीज़ के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी इंटू टी. अब अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो वी आई एक्स इंटू टी आ जाएगा. तो रेंज का फॉर्मूला क्या बना, वी आई एक्स इंटू टी के इक्वलेंट आए. वी आई एक्स पीछे हम निकाल चुके थे, डेट इज़ वी आई कॉस थीटा, और टी की वैल्यू अभी पीछे हमने फाइंड की है जो कि हमारे पास थी 2vi sin theta over g की फॉर्म में. फॉर्मूला को सॉल्व करें अगर तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, vi स्क्वायर की फॉर्म में, और sin theta एंड cos theta over g. vi स्क्वायर को बाहर ले लें अगर तो और सॉल्व हो सकता है, ये vi स्क्वायर 2 sin theta cos theta over g. हमने एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू विच 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ ऊपर इसको जो है वो फाइंड कर लेते हैं, वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, इस टर्म की जगह पे हमने जो है वो साइन ऑफ 2 थीटा यूज़ कर लिए ओवर जी. तो ये हमारे पास जो है वो रेंज की वैल्यू आ गई. अब अगर हम जो है वो मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम आर, तो मैक्सिमम रेंज जो है वो डिपेंड करेगी, यहाँ पे अगर रेंज की जगह में मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, रेंज डिपेंड कर रही है थीटा पे, मतलब मैक्सिमम रेंज भी हमारे थीटा पे डिपेंड करेगी. तो रेंज मैक्सिमम तभी होगी अगर हमारा थीटा मैक्सिमम है, और हमें पता है कि जो साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम तभी होता है अगर वो 1 के इक्वल हो, ठीक है? और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा 1 के इक्वलेंट होती है, यानी मैक्सिमम आंसर देती है. तो अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से हम यूँ कर सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वलेंट टू साइन ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास 45 डिग्रीज, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैक्सिमम एंगल बनता है जिसके लिए हमें मैक्सिमम रेंज पता चलती है वो कितना होगा, 45 डिग्रीज के इक्वल आएगा. इस फॉर्मूला में पुट करते हैं वी आई स्क्वायर साइन 2 और 45 जी. तो ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमें मिलेगा वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 90 ओवर जी. साइन 90 1 होता है तो वी आई स्क्वायर ओवर जी रेंज के मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है. तो ये टॉपिक था कंप्लीट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का.